सो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक थ्योरम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको इंपॉर्टेंट में आप नोट कर लेना, ठीक है। थ्योरम क्या बोल रही है? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, बी एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। देन जब देन लग जाता है क्वेश्चन में, तो उसके बाद जो भी होता है हमें प्रूव करने का होता है। ए की पावर में एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। जी हमारे पास क्या है? एक ग्रुप है। इसी ग्रुप से हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर उसका एन, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए की इंटीग्रल पावर में एन लेके आइडेंटिटी मिलेगी। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। जब हमारे पास देन लग जाता है, उसके बाद हमें प्रूव करने का होता है। अब मैंने देखा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ एंड ओनली इफ। इसको हम डबल एरो से भी लिख सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ होता है ना, तो हमें नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, ये दोनों लगानी होती है सॉल्व करने के लिए। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? जैसे बेसिकली देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ये डबल एरो दिया है। इसके पहले कुछ दिया होगा, इसके बाद में कुछ दिया होगा, ठीक है ना। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है, जो यहाँ दिया होता है ना, इसको हम लेट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो लेट ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हम लेट कर लेते हैं। और इसके जो आगे वाला दिया होता है, जैसे एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, इसको हम टू प्रूव में डाल देते हैं, एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम। उसी तरह से जब हमारे पास सफिशियंट कंडीशन आती है, सफिशियंट कंडीशन आती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो राइट हैंड साइड में दिया होता है, जैसे एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, इसको हम लेट ले लेते हैं। और हम टू प्रूव में क्या ले देते हैं कि भाई हमें क्या प्रूव करना है, ये पहले वाला ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का रोड मैप, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब एक और बात कईयों को नहीं पता होता है कि डिवाइज़र डिविडेंड क्या होता है उनको लिए, जैसे 10, 2, 5, 10, 0, ठीक है, ये होता है डिवाइज़र। इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई टू प्रूव, आपको बताना है कि आपको शो करना है कि दो टू इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 10, टू इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 10, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे? 10 को 2 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 2 है 10 का डिवाइज़र है कि नहीं। हाँ, ये तरीका होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोला, ये मैंने क्यों बताया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एन से अगर हम एम को डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशंट मिलेगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा हमारे पास? 0 मिलेगा। इसी चीज़ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, एम इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, और आर हमारे पास क्या है? 0। तो हम इसको लिख सकते हैं एम इज़ इक्वल टू एन क्यू। बेसिकली ये हमें प्रूव करना है, क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। और जब हम इस तरीके से प्रूव करने को बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिदम लगाने वाले हैं जब हम नेसेसरी कंडीशन प्रूव करेंगे। समझ में आया क्या हो रहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, कि भाई जब एन से एम को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली हमें ये प्रूव करना है। समझ में आई बात? तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट जी बी अ ग्रुप। लेट जी बी अ ग्रुप लिख लूँ मैं, चलो लिख ही लेता हूँ, लेट जी बी अ ग्रुप। फिर हमें क्या लिखना है कि भाई लेट ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये हमारे पास गिवन है। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है? एन है, मतलब और इसको लिख सकते हैं कि भाई ए की इंटीग्रल पावर में एन लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है ना। अब हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे हम नेसेसरी कंडीशन। ये मैंने सारा लिखा हुआ है, आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ना मैंने नेसेसरी कंडीशन और सफिशेंट कंडीशन करके नहीं लिखा है, मैं उस टाइम भूल गया था। अभी आपको बता देता हूँ, ये जो पहले वाला है ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, और जो कन्वर्सली करके लिखा है ना, ये हमारे पास सफिशेंट कंडीशन है। तो वही चीज़ है, मैं इसको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि लेट जो ये हमारे पास है, इसको हम लेट में लेंगे, लेट ए की पावर में एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। याद रखना है कि हमारे पास ये भी गिवन है कि ए की पावर में एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो रहा आपको? मैं बता देता हूँ,
ये हमारे पास गिवन है। सबसे पहली बात, ये हमारे पास सबसे पहले गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ, एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसकी इंटीजर पावर लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलती है। मतलब ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, एन है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, एन है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है, जैसे मैंने बोला 2 है 4 है 6 है, ये 4 6 क्या है, 2 के तो इंटीरियर मल्टीपल है, तो ये भी ऑर्डर में बन सकते हैं। बट लीस्ट क्या होगा, लीस्ट तो हमारे पास 2 ही होगा। उसी तरह से एन हमारे पास क्या है, लीस्ट है। ये एम क्या है, एम इसका ही इंटीरियर मल्टीपल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने लेट ये ले लिया, ओके। अब हमें 2 प्रूव क्या करना है, 2 प्रूव हमें करना है एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई m इक्वल्स टू n की हमें प्रूव करना है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, समझ भाई बात। और इसको प्रूव करने के लिए हमें ये तरीके करने पड़ेंगे जिसको हम डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिदम लगाना है। ये तो हमारे पास n, तो हमारे पास गिवन है, m हमने अभी अभी लिया है, तो ये अननोन है। तो बेसिकली m को हमें n की फॉर्म में लिखना है, m को n की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि n हमारे पास गिवन है। तो हम लिख सकते हैं m को इस तरह से, m को n की फॉर्म में लिखना है ना, तो n सिर्फ कोशेंट और यहाँ पे आ गया कुछ रिमाइंडर। तो m को n की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, एन क्यू प्लस आर, ये हो गया डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर और ये हो गया डिविडेंड। समझ में आई भी इतनी बात क्या हो रहा है, 2 मिनट समझ लेना है ना, ठीक है। इतनी चीज़ हमने लिख ली, हमारे पास गिवन क्या है कि भाई आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास a की पावर में m, इसको लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए की पावर में एम, एम हमारे पास क्या आया, ए की पावर में एन क्यू प्लस आर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व किया तो ए की पावर में एन ब्रैकेट लगा के क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं, इनटू में ए की पावर में आर। तो ए की पावर में एन, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास सबसे पहले दिया, ये हमारे पास क्या है, एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसकी इंटीग्रल पावर लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलती है। तो ए की पावर एन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। ये आ गया आइडेंटिटी की पावर में क्यू, और ये आ गया ऐसे, ये आ गया आइडेंटिटी इनटू ए की पावर में आर। आइडेंटिटी के साथ किसी को मल्टीप्लाई करें वही चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर में आर। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया, ए की पावर में आर इजक्ल्स टू आइडेंटिटी। आर क्या है, रिमाइंडर है। ए क्या है, एलिमेंट है जो हमने ग्रुप से लिया है। ई क्या है, आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब हो, देखो ये एक सिंपल एक लाइन नहीं है, ये एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है, ए की इंटीग्रल पावर में हम जो भी चीज़ ले, अगर उससे आइडेंटिटी मिल रही हो तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आर की ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, आर। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास कितना है, एन है। तो ये तो गलत हो गया। ये तभी पॉसिबल है अगर r जो है इस n का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। n क्या है, n बेसिकली अगर दोबारा से वो डिवीज़न एल्गोरिदम लगाऊँ ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारे पास r, ठीक है ना। n हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है। आप हमेशा याद रखना जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और हमेशा इस डिवाइज़र से छोटा होता है, डिवाइज़र से छोटा होता है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे बात मान लो 2 से किसी चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं, किसको करना, जैसे 13 को कर लिया, तो 2 6 2 12 रिमाइंडर कितना आया, 1। 1 2 से छोटा है कि नहीं। उसी तरह से कुछ कोई भी और नंबर ले लो, कोई इवन लोगे तो 0 आ जाएगा, ऑड लोगे तो 1 आएगा। कभी भी यहाँ पर हमारे पास ये जो रिमाइंडर है इससे बड़ा नहीं आएगा, डिवाइज़र से बड़ा नहीं आता है। समझ में आ गया बात, जिस तरह से मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, तो अगर 4 के मल्टीपल निकालने तो 4 के पीछे मत जाओ, 4 के आगे की जाओ। यहाँ पे 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, पर 4 के मल्टीपल 4 के पीछे नहीं होते। उसी तरह से हमारे पास n के जो मल्टीपल होंगे वो भी n के आगे होंगे, n से छोटे नहीं होंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर कहाँ आ गया, रिमाइंडर तो यहाँ आ गया, बल्कि रिमाइंडर चाहिए कहाँ था, यहाँ चाहिए था, इंटीग्रल मल्टीपल बनाना है ना इसका। ये देखो r तभी यहाँ पे पॉसिबल है अगर ये r n का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। r तो इससे छोटा, तो मतलब इस तरफ को आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो ये है। इसका मतलब ये हुआ
एक कंडीशन में ये ट्रू होना था, पर वो भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हमने जो ये लिए थे ना इक्वेशन m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, इसमें जो r है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं, इसकी हमारे को वैल्यू ज़ीरो लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब r क्या आ गया हमारे पास, ज़ीरो, ये है ही नहीं, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो r हमारे पास होगा नहीं, इसकी जगह हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया सीधा सीधा, m इक्वल टू एन क्यू हो गया प्रूफ। m इक्वल टू एन क्यू इसका मतलब क्या हुआ कि m को अगर हम n से डिवाइड करेंगे कुछ क्यू आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यही तो होता है, n इज़ अ डिवाइज़र ऑफ m, ठीक है ना। जैसे 2 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 10, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर ज़ीरो आता है। उसी तरह से ये भी आ गया, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो बेसिकली जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन थी वो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गई, ये हम आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। सफिशियंट कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, सफिशियंट कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया होता है उसको हमें लेट ले लेते हैं। लेट एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, इसका क्या मतलब हुआ, एम इज़ टू एन क्यू लिख सकते हैं, सही, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि ए की पावर एम लेके हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी। तो बेसिकली बेस में ए चाहिए, ये हमारे पास गिवन है, मतलब लेट किया तो ये हमारे पास गिवन हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एम इज़ टू एन क्यू हमने गिवन लिया है, इसके बेस में ए लगा लेते हैं। तो ए की पावर में एम इज़ टू ए की पावर में एन क्यू आ गया। तो देखो ए की पावर में एन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर में एन हमारे पास क्या है, गिवन है, आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, मतलब ए की पावर में एम हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ये हमारे पास हो गया प्रूफ। तो नेसेसरी कंडीशन प्रूफ, सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ, इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था वो भी हमारे पास हो गया प्रूफ।